बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट 5 मिनट एंड टू 54 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज. सो बच्चों, गिवन हमें एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर मास कॉन्स्टेंट है. अब हम फर्स्ट केस में कूलिंग होती है 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक और इसमें टाइम लगता है 5 मिनट का. और सेकेंड केस में कूलिंग होती है 60 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस तक और इसमें भी टाइम लगता है 5 मिनट का. हमें फाइंड करना है कि रूम टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट की वैल्यू. सो बच्चों, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ओवर द सराउंडिंग प्रोवाइडेड द एक्सेस इज वेरी स्मॉल. तो अगर इसको हम केस वन के लिए कंसीडर करें तो केस वन में डी थीटा मिलेगा 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू के. एवरेज टेम्परेचर है हमारे पास 65 माइनस कर देंगे थीटा नॉट. यहाँ थीटा जो होगा वो एवरेज टेम्परेचर मीन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2. सो बच्चों, हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 इट मीन्स 2 इक्वल टू के विद इन ब्रैकेट 65 माइनस थीटा नॉट. इसको मान लेंगे इक्वेशन 1. अब केस 2 में हमें कूलिंग लेनी है 60 डिग्री से 54 डिग्री तक. तो ये होगा 60 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू के. तो कांस्टेंट रहेगा. अब दोनों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हो जाएगा 57 माइनस थीटा नॉट. तो बच्चों, अब यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, 6 डिवाइडेड बाय 5. सो दिस इज 1.2 इक्वल्स टू के 57 माइनस थीटा नॉट. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 डिवाइड कर देंगे तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 1.2 के कैंसिल हो जाएगा. 65 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 57 माइनस थीटा नॉट. सो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा 114 माइनस 2 थीटा नॉट और राइट साइड में मिल जाएगा हमें 78 माइनस 1.2 थीटा नॉट. ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को तो हमें मिल जाएगा 0.8 थीटा नॉट इज इक्वल टू 36. तो थीटा नॉट यानी कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मिल जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. थैंक यू.